ये 11th क्वेश्चन है 5.2 एक्सरसाइज का, क्लास 10th. कहता है विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. ठीक है, अब यहाँ पे हमको कहना है, पता रहा है कि कौन सा टर्म जो है वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है. ठीक है, तो हमें टर्म का मतलब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है वो एन क्या है. तो हम कहेंगे हमें कौन सा टर्म जो है वो 54 टर्म से 132 ज़्यादा है. ठीक है, तो हम इस तरह के सवाल को कैरी करेंगे, है ना. तो पहले तो हमें एपी दे रखा है जो कि है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन. तो ए होगा हमारा 3, डी होगा हमारा 15 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 12. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रखनी है. हमें तो यहाँ पे एन फाइंड करना है क्योंकि हमें पता करना है विच टर्म ऑफ ए पी इज़ 54 यहाँ पे जैसे कह रहा है मोर देन 54 टर्म. तो ये होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे हम एन इस्तेमाल करेंगे 54 क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट में एन है. तो ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132. अब ए तो हमें पता है 3 है, तो यहाँ पे तो हमें एन मालूम करना है, तो यहाँ पे तो एन यही रहेगा और डी की जगह पे रखेंगे हम क्या 12. यहाँ पे ए की जगह पे रखेंगे हम 3 और ये हो जाएगा हमारा माइनस 53 इंटू डी 12 प्लस 132. 3 को अभी यहीं रहने दो और 12 भी इधर ही रहने दो. अब क्या होगा, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ये होगा 6 और 636 प्लस 132. ठीक है, और अब क्या करो, इन तीनों को पहले ऐड कर लो. तो होगा 636 प्लस 132 प्लस 3, तो ये हो जाएगा अपना कितना 1177. ठीक है, तो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 771, और ये प्लस है इस तरफ आके माइनस, तो ये हो जाएगा अपना 771 माइनस 3. तो एन माइनस 1 अपॉन में सॉरी मल्टीप्लाई में 12, और ये माइनस होगा तो आएगा 768. फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, 12 को इसके डिवाइड में ले जाते हैं. ये आएगा हमारा कितना 6, 72, 48, और फिर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 64. माइनस 1 इस तरफ आके प्लस 1, तो ये हो जाएगा एन जो होगा 65 होगा. तो ये आ गया अपना आंसर. ठीक है.